बैतूल मध्य प्रदेश से देखिए बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नगर परिषद सीएमओ शेख अपने परिवार को लेने सरकारी गाड़ी से नागपुर गए और वहां से अपने परिवारजनों को लेकर आए, उन्होंने क्वारंटाइन नहीं किया। जी हां, आपको बता चले कि यह तो सच है कि राजा हो या रब, सब पर होगी कार्रवाई। एसडीएम नगर पार्षद सीएमओ की बड़ी लापरवाही। लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त को है तो वहीं कोरोना पॉजिटिव और संक्रमण फैलने का भय निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। क्षेत्र में हो चुकी महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ होने के कारण जहां पर अधिकारी सहित लोगों को चिंता का माहौल व्याप्त है। लगातार प्रवासी मजदूरों को अपने गांव तक पहुंचाने के दौरे चल रहा है, जहां पर क्षेत्र में संक्रमण फैलने की ज़्यादा संभावना बनी हुई है, जिसको अज्ञात में लेते हुए क्षेत्र के एसडीएम राधेश्याम बघेल ने ब्लॉक के अधिकारियों के साथ बैठक ली। वहीं आपको बताया चले क्वारंटाइन उन्होंने नहीं करवाया, जो कि प्रशासनिक रुतबे से गलत फ़ायदा उठा रहे, जिस पर आपको बता दें कि एसडीएम राधेश्याम बघेला ने कहा कि राजा हो या रब, अगर कोई नियमों का पालन करेगा तो उसे तत्काल। कितने लोग आए साथ में? तीन। कौन कौन? मैडम सारा उनको होम क्वारंटाइन किया है कि छात्रावास में, वो नहीं पता। डॉक्टर आए चेकअप करवाए, चला गया। कौन से हॉस्पिटल में हुआ उनका चेकअप? डॉक्टर कौन था उस समय? डॉक्टर कौन? नहीं, आपको आठने नगर पालिका जो सीएमओ अत्तर खान जी, वो रातों रात यहाँ से कल रात को गजा के नागपुर से उनके सारे परिवारों को लेके यहाँ आए। मध्य प्रदेश शासन की नगर पालिका की गाड़ी है जो किराए से चल रही है यहाँ पे, वो गाड़ी से ड्राइवर को लेके, नट्टू था ड्राइवर, उसको लेके गए और रातों रात उनने उनके परिवार को नागपुर से यहाँ आठने लेके आए, जो कि वो रेड जोन में आता है नागपुर। और सीएमओ साहब हर व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं आठनेर में, और इसके इसमें जो जो गरीब आ रहा है इधर उधर से, उन लोगों को हॉस्टल में रखा जा रहा है, उनको 2 बजे 12 बजे खाना देते हैं उनको, और ये इनके परिवार को घर लेके आए। तो आप बताइए कि हम लोग कैसे रहे मूल्य पड़ोस में, जो ये व्यक्ति हमारे घरों के सामने से गुजरते हैं, लोगों को बोलते हैं कि आप घर के अंदर रहिए। फिर क्या, क्या चाहते तुम कि उनके परिवार की जांच होना चाहिए? जांच होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि उनको हॉस्टल में रखा जा कहीं, और सीएमओ साहब को भी रखा जा, क्योंकि वो भी नागपुर से जाके आए उनको लेके। ठीक ठीक। उसको अनिवार्य रूप से संस्थागत क्वारंटाइन कराया जाए। अच्छा। और संस्थागत क्वारंटाइन से रियायत कुछ शर्तों पर दी जा सकती है, जैसे कोई प्रेगनेंटिटी, या कोई 2 या 1.5 महीने का बच्चा है उसके साथ, या कोई बहुत गंभीर मरीज जी, उसको हम होम क्वारंटाइन की अनुमति देंगे, वरना सभी को संस्थागत क्वारंटाइन अनिवार्य रूप से करना है। ठीक। दूसरी चीज़, जो भी व्यक्ति आएगा और उसको क्वारंटाइन करेंगे, और अगर उसमें संदिग्ध ऐसा हमको नज़र आता है तो उसकी तत्काल हम सैंपलिंग कराएँ, ऐसा हमारा सोच है। सर, अभी जो मांडवी की खबर लगी है, लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को